वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से डबल डिलाइट गुलाब के फूल के साथ। देखिए कितना खूबसूरत खिला हुआ है आज, और यहीं पर एक और गुलाब खिला हुआ है। हेलो दोस्तों, आंचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, विंटर आने ही वाला है और विंटर के प्लांट के बारे में बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत विंटर प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ, जिसे मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और बहुत सारे इसके प्लांट्स तैयार हो गए हैं मेरे पास, उसी की आज रिपोर्टिंग कर रही थी फ्रेंड्स। तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ वो ये है फ्रेंड्स, बिगोनिया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, विंटर में इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स आते हैं। वैसे तो ये 12 महीने चल जाता है ये प्लांट, लेकिन इसको बारिश में बचा के रखना पड़ता है फ्रेंड्स। बारिश में इसके प्लांट खराब हो जाते हैं और ये ऐसे एरिया में साल भर तक टिक जाता है जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ यह प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता, हमारे यहाँ ये साल भर चल जाता है। बस इसको बारिश में बचाना पड़ता है। बारिश में मेरे प्लांट्स खराब हो रहे थे तो मैंने बहुत सारे देखिए कटिंग्स लगा दिए हैं और सारे कटिंग्स चल गए हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने कटिंग्स लगाए हुए थे और उसी को आज मैं रिपोर्ट करूँगी। तो ये देखिए व्हाइट कलर का और रेड कलर का, मेरे पास पिंक कलर का भी था लेकिन पिंक वाला शायद नहीं लग पाया है, और ये रेड और वाइट तो लग गया है, तो इसी की मैं आज रिपोर्टिंग करूंगी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इस पॉट में मैं लगाऊंगी। ये देख रहे हैं, मेरा ये DIY प्लांटर है जो ऑयल का 5 लीटर का डिब्बा आता है प्लास्टिक का, उसी को मैंने 2 भागों में कट किया है। और ये ऊपर वाला भाग है, ये देख रहे हैं इस तरह से, आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर वाला भाग है और नीचे वाला भाग भी एक प्लांटर उसका भी बन जाता है, तो मैं इसी में ग्रो करूँगी। इसमें पहले से ही कुछ दूसरा वाला प्लांट लगा था। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल अच्छे से बना लीजिए। जब भी आप प्लास्टिक के पॉट में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से होना चाहिए। और उसको कवर करने के लिए ये देखिए, कोई भी आप कॉटन का टुकड़ा या फिर कैरी बैग जो आता है जूट की, उसको आप लगा सकते हैं। मैंने मच्छर जाली के टुकड़े को लगाया है और उसके बाद मैंने ये नारियल का जो जटा होता है उसको क्रश करके नीचे बॉटम में रख दूंगी। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और मैंने पॉटिंग सॉइल भी तैयार कर लिया है और ये विंटर में फ्लावर्स देने वाला है। वैसे तो ये 12 महीने फ्लावर्स देता है लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो इसके लिए मैंने पॉटिंग सॉइल तैयार कर लिया है। और इस प्लांटर को मैं ऐसे दीवार से हैंग करूँगी, तो मैंने लाइट पॉटिंग सॉइल तैयार किया है जिसमें कोकोपीट, सेंड और वर्मी कंपोस्ट और जो गार्डन की हमारी मिट्टी होती है वो चारों को मैंने मिक्स कर लिया है। कोकोपीट की मात्रा को मैंने ज़्यादा रखा है फ्रेंड्स ताकि ये लाइट वेट रहे। तो इसको इस तरह से हम भर देंगे। बहुत सिंपल तरीके से रिपोर्टिंग है। और नीम खली और फंगीसाइड पाउडर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है इसमें। और मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी फ्रेंड्स, ये केवल मैं इसको पॉलीबैग से निकालूंगी और लगा दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ही इसको ग्रो किया हुआ है। इसके जो कटिंग को मैंने खुद ही लगाया है, ये नर्सरी से नहीं है ये प्लांट, तो मैं इसके रूट बॉल से किसी प्रकार का भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी। और बस ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसको लगा दूंगी और बहुत ही सुंदर दिखता है ये प्लांट। और इस प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग इसको नहीं चाहिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसके जो आप स्टेम देख रहे हैं उसमें पानी जमा रहता है, इसके पत्तों में भी पानी जमा रहता है, तो आप इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए इसकी मिट्टी गमले की, तभी आप इसमें वाटरिंग करें, तो यह प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और इसके फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। पत्तियों का कलर्स भी चेंज रहता है कई प्लांट्स का, और फूलों में भी बहुत सारे कलर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही शेयर करना था बस आज छोटा सा वीडियो। और
ये लगा दीजिए। देंगे हम इस तरह से मिट्टी डाल देंगे और लास्ट में पानी दे देंगे। ये हमारा विंटर का प्लांट लगकर तैयार हो गया। धीरे धीरे मैं भी विंटर की तैयारी शुरू कर रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे सीड मैंने लगाए थे, टुरेनिया के सीड तो मेरे पास बहुत है। देख रहे हैं कितना इतना खिला हुआ है, और मैंने ग्रो बैग में भी बहुत सारे को शिफ्ट कर दिया है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने पिटोनिया को लगाने के लिए, देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लांटर बनाया है सीमेंट से, और जो किचन के बर्तनों से हम बोनसाई प्लांटर तैयार कर सकते हैं, वो मेरा वीडियो मेरे चैनल पे है। आप चाहे तो उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांटर तैयार हो जाता है। और ये जो प्लांटर आप देख रहे हैं, उसको मैंने इसी जो ये टोकरी होती है प्लास्टिक की, उसी टोकरी से मैंने बनाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से प्लांटर सीमेंट के तैयार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यही आप लोग के साथ आज शेयर करना था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय, थैंक यू।